तरल भावार्थ का उत्तरार्थ, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरो को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। दुर्बल शरीर और बलहीन शरीर को ढकने के लिए किसान के पास आज कपड़ा नहीं, वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी उस तन ढकने के लिए उसके पास वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो पत्तियों से अपने तन को ढकने के लिए मजबूर है। फिर भी वो अपार मेहनत करके अनुपजाऊ खेती को, अनुपजाऊ धरती को, बंजर धरती को वह अनुपजाऊ बनाकर संसार के लिए अन्न तैयार करता है। इसलिए मैं सुर असुर मतलब भगवान देव दानव सभी का ध्यान छोड़कर मैं आज उसी किसान का ध्यान करना चाहता हूँ, उस कृषक का गान गाना चाहता हूँ, उस कृषक का गीत गाना चाहता हूँ। यंत्रवत जीवित बनाज मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कण कण उसी के नीड का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। किसान का जीवन यंत्र के समान बना हुआ है और इसलिए अब वो अपना अधिकार मांगना चाहता है, वो कवि से अपना अधिकार मांगता है, क्योंकि उसके दुख को देखकर पीड़ित मानवता पीड़ित होकर रो रही है और अपने जीत और हार पर उसे अपार दुख है, संपूर्ण मानवता को अपार दुख है। इसलिए कवि कणकण जोड़कर एक नया सुंदर घोंसले का, उसके लिए ग्रंथि का, नीड का निर्माण करना चाहता है, उस कृषक का गान गाना चाहता है, उस किसान का गीत गाना चाहता है। धन्यवाद।